मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वादिष्ट इस दूध की बर्फ़ी की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप दो चीज़ों से झटपट से घर पर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई की रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल देंगे आधे कप चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे कप चीनी में आधे से कम पानी डाला है, ये आधे कप से कम है। चीनी को अच्छे से हम घोल लेंगे इस तरह से चलाते हुए, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पे हम स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार करेंगे, और वो भी सिर्फ दो चीज़ों से, जो झटपट से बन जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही स्वादिष्ट से हमारी मिठाई बन के तैयार होगी, जिसे हम घर पर झटपट से बना सकते हैं। जब कभी किसी के आने पर या भी कभी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को बना के रखा जा सकता है, क्योंकि ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है जैसी मार्केट में मिलती है, ठीक उसी तरह से बिल्कुल स्वादिष्ट बनेगी। और चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। एक तार की चाशनी हमें इसे बनाना है, और थोड़ा सा ठंडी होगी तभी इसका तार बनेगा, तो एक मिनट के लिए हम इसे ठंडा करेंगे। चाशनी थोड़ा ठंडी हो गई है तो अब हम इसे उंगली की सहायता से चेक कर लेंगे। इसका एक तार बनना चाहिए, मिठाई के लिए हमें एक तार की इस तरह से चाशनी की ज़रूरत रहती है, तो इसे इस तरह से हम चेक कर रहे हैं। और ये देखें, एक तार हमारा बन रहा है, परफेक्ट हमारी चाशनी बन गई है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और चाशनी हमारी बन गई है तो अब हम इसमें वो चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे हमारी मिठाई बनने वाली है। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और ये मैंने ज्ञान कंपनी का मिल्क पाउडर लिया है, और ये मिठाई वाला मिल्क पाउडर है जिससे मिठाई वाले दुकानदार इसी से मिठाइयाँ बनाते हैं, और बहुत ही बजट में मिलता है, और इससे मिठाइयाँ भी बहुत ही अच्छी बनती हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। मैंने एक कप इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से चलाते हुए अच्छे से इसे थिक कर लेंगे, और ये अच्छे से देखें कंबाइंड सा होने लगा है, अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है, और इसे हमें अच्छे से इसी कढ़ाई में फेंट लेना है। पर मैं यहाँ पे आधे चम्मच इसमें देसी घी डाल देती हूँ, और फिर हम इसे एक बार अच्छे से इस तरह से फेंटते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है बस। और मैंने इस समय आँच को अब बंद रखा है, और बंद आँच में हमें ये सारा काम करना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। और अब हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है, और इस तरह से अच्छे से चलाते हुए चिकना कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे उतनी ही मुलायम और स्वादिष्ट हमारी मिठाई बनेगी। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे और फेंट लेंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रे ले ली है, जिसे ग्रीस कर ले रहे हैं। घी या तेल से ग्रीस कर सकते हैं आप, या आप किसी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ग्रीस करने के लिए। और ये बर्फ़ी सेट होने के लिए परफेक्ट बनके तैयार हो गया है, आप देखिए कितना बढ़िया बना है। अब हम इसे डाल देंगे इस तरह से, मैंने इसे ट्रे में डाल दिया है। अब इसे आप अपने हिसाब से फैला सकते हैं, पतला या मोटा,
जैसा आपको पसंद है। आप ट्रे में डालने के पहले इसे आप चेक भी कर सकते हैं, इस तरह से आप हाथों से गोल करेंगे तो ये अच्छे से कंबाइंड होता हुआ रहेगा, एकदम चिकना गोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रे में डालने के पहले चेक भी कर सकते हैं कढ़ाई से, और नहीं तो 2 मिनट के लिए फिर से इसे कढ़ाई में चलाते रहिएगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब मैंने इस पर हाथों से इस तरह से मैंने इसे चिकना कर दिया है। और मैंने इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से चिकना कर दिया है। अब आप चाहें तो इसे गरम है तो गरम गरम में जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो इसके ऊपर डाल सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल ही रखने वाली हूँ तो मैंने कोई ड्राई फ्रूट इसके ऊपर नहीं डाला है। अब हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये हल्की सी सेट हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, तो इस पर हम ये चांदी का वर्क लगाने वाले हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय, और मैं इसे इस तरीके से लगा दे रही हूँ और हल्की गर्म में ही बर्फ़ी में कट के निशान लगा देंगे, और नहीं तो बाद में दिक्कत करेगी। तो ये हल्की गर्म है तो मैं इसे इस तरह से कट के निशान लगा रही हूँ। तो इसके मैंने किनारे अलग कर दिए हैं, और किनारे अलग करने से बहुत ही बढ़िया ये कट के तैयार हुई है। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया, अच्छे से सेट भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी इसे सेट होने में, और इजीली ये टूट रही है। पर इसे 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लग गए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की मिठाई भी निकाल लेते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये 2 चीज़ों से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।